में इन तीन लोगों की चलती है वह घर बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बड़ा ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी का एक बड़ा ही सुंदर पुत्र था। व्यापारी अपने पुत्र से बड़ा ही प्रेम करता था। व्यापारी और व्यापारी की पत्नी को विवाह के बहुत सालों बाद संतान की प्राप्ति हुई थी। वह दोनों अपनी संतान से बहुत अधिक प्रेम करते थे। प्रिय दर्शकों, व्यापारी हर कार्य अपने पुत्र से पूछकर किया करता था। व्यापारी का पुत्र अभी छोटा था, परंतु प्रेम में अंधा व्यापारी वही करता था जो उसका पुत्र कहता था। अगर पुत्र कोई गलत कार्य करने के लिए भी कहता तो व्यापारी उसे कर दिया करता था। व्यापारी यह नहीं देखता था कि मेरा पुत्र अभी छोटा है और इसे इतनी समझ नहीं है कि ये बड़े निर्णय ले सके। परंतु पुत्र प्रेम में अंधा व्यापारी और व्यापारी की पत्नी, वह दोनों अपने पुत्र की हर बात को सराखों पर रखा करते थे। व्यापारी का पुत्र जो भी व्यापारी से मांगता, व्यापारी उसे लाकर दे दिया करता था। प्रिय दर्शकों, व्यापारी के घर के बाहर एक वृक्ष पर कई सालों से एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। वह बूढ़ी चिड़िया व्यापारी के घर के बाहर कई सालों से रह रही थी। वह व्यापारी के घर को अच्छे से जानता था और व्यापारी भी उस बूढ़ी चिड़िया की बड़ी सेवा करता था, उसे दाना पानी खाने के लिए दिया करता था। बूढ़ी चिड़िया यह देखकर बड़ी ही चिंतित थी कि व्यापारी अपने पुत्र की हर बात को मान लेता है। व्यापारी का पुत्र जिस भी चीज की जिद करता है, व्यापारी उसे लाकर दे देता है। तब वह बूढ़ी चिड़िया व्यापारी से कहती है कि हे व्यापारी, तुम्हें अपने पुत्र के प्रेम में अंधा नहीं होना चाहिए, तुम्हारी यह गलती तुम्हें आगे जाकर बहुत भारी पड़ेगी। तब व्यापारी कहता है कि अरे बूढ़ी चिड़िया, तुम नहीं जानती, मेरा पुत्र स्वयं भगवान का रूप है। इतनी मन्नतों के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अब तो वह जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। तब बूढ़ी चिड़िया कहती है कि अरे पुत्र प्रेम में अंधे व्यापारी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से और अपनी बात समझाती हूँ। प्रिय दर्शकों, अब बूढ़ी चिड़िया अपनी कहानी प्रारंभ करती है। बूढ़ी चिड़िया कहती है कि हे व्यापारी, प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहा करता था। वह सेठ बड़ा ही भोला भाला व्यक्ति था। उस सेठ के चार बेटे थे। सेठ अपने चारों बेटों के साथ घर में आराम से रहा करता था। सेठ ने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया था। सेठ की चारों बहू सेठ की खूब सेवा किया करती थी। प्रिय दर्शकों, सेठ की छोटी बहू के घर में आने के बाद सेठ का घर बड़े सुख से चल रहा था। सेठ का व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। छोटी बहू के आने के बाद सेठ के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी और घर का माहौल बड़ा ही शांति भरा था। उनके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सेठ के सभी पुत्र एक साथ मिलकर रहा करते थे और सेठ की बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम करती थी। चारों बहू मिलकर एक साथ खाना पकाती थी और अपने पतियों को और ससुर को खिलाती थी। इधर सेठ का व्यापार भी बड़े अच्छे से चल पड़ा था। चारों बेटे व्यापार को बड़े अच्छे से संभाल रहे थे। सेठ सोचता था कि अब तो उसका जीवन सफल हो चुका है। घर में चारों बहुएं बड़े ही प्रेम से रहती है। मेरा व्यापार, मेरे चारों पुत्र बड़े ही अच्छे से संभाल रहे हैं। अन्न धन की घर में कोई कमी नहीं है। ऐसे विचार करके सेठ बड़ी सुकून की नींद लिया करता था। सेठ के जीवन में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं थी। प्रिय दर्शकों, सेठ की इतनी अच्छी जिंदगी देखकर गांव के अन्य लोग सेठ से जलने लगे थे। गांव के सभी लोग सोचते थे कि यह सेठ तो बड़ा ही सुखी है, इसका जीवन तो बड़े ही आराम से कट रहा है, इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है, हे व्यापारी, अक्सर मनुष्य दूसरों की तरक्की से जलता है। जिस प्रकार केकड़े एक दूसरे का पैर पकड़कर और किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखकर उसका पैर पकड़कर उसे पीछे खींचना चाहता है। मनुष्य खुद की तरक्की से जितना खुश नहीं होता, उतना दुखी वह दूसरे की तरक्की देखकर हो जाता है। अब तो सेठ को आगे बढ़ता हुआ देख, तरक्की करता हुआ देख, गांव के सभी लोग जलने लगे थे। कोई भी सेठ से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सभी सोचते थे कि किस तरह सेठ का जीवन कष्ट से भर दिया जाए, किस प्रकार की हंसी को दुख में बदल दिया जाए। प्रिय दर्शकों,
यही सब सोचकर गांव के कुछ लोग सेठ के कुल पुरोहित के पास जाते हैं और कुल पुरोहित के पास जाकर कहते हैं कि अरे पुरोहित जी, आप यहाँ सूखी रोटी खा रहे हो और वहाँ आपका यजमान सेठ बड़े आराम से पकवान खा रहा है, अपनी बहू के हाथों का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है। तब पुरोहित जी कहते हैं कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। तब गांव के लोग बताते हैं कि पुरोहित जी, आपका जीवन तो आपके जजमानों से ही चलता है, परंतु आपका जजमान तो बड़ा ही सुखी है, उसके जीवन में तो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। जरा याद करिए कि आपके यह जजमान ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था। अगर आपका जजमान आपको अपने घर नहीं बुलाएगा, आपसे हवन पूजा नहीं करवाएगा, तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, आपका घर कैसे चलेगा। प्रिय दर्शकों, कुल पुरोहित को गांव वासियों की बात समझ में आ रही थी। वह भी सोच रहा था कि बात तो सही है, सेठ ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया है और उसका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा है, इस प्रकार तो मेरे बीवी बच्चे और भूखे मरने लगेंगे। कुल पुरोहित कहता है कि अरे भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है, सेठ तो बड़ा ही धनवान बन चुका है, उसका व्यापार भी बड़े तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके चारों पुत्र बड़ी मेहनत करते हैं और उसके घर में चारों बहू मिलकर बड़े प्रेम से अपना जीवन निर्वाह कर रही है, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तब गांव के लोग कहते हैं कि पुरोहित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हो, अगर आप सुख से जीवन जीना चाहते हो, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके जजमान सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आए, उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो, तभी वह आपको हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा और आपको कुछ धन मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप एक दिन गरीब हो जाएंगे और आपको भीख मांगना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, इतनी बात कहकर गांव के सभी लोग कुल पुरोहित के यहां से चले आते हैं। अब इधर वह कुल पुरोहित बड़ी ही चिंता में डूब जाता है, सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसका व्यापार बंद पड़ जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा। प्रिय दर्शकों, अब तो ऐसा सोचकर वह कुल पुरोहित एक साधु महाराज के पास जाता है और कहता है कि हे स्वामी, मेरी कोई सहायता करिए, मेरे गांव में मेरा जजमान है जो एक सेठ है, सेठ बड़ा ही सुखी जीवन जी रहा है, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, परंतु जिस प्रकार चोरों का जीवन लापरवाह लोगों से चलता है, जिस प्रकार राजा का जीवन झगड़ा करने वालों से चलता है, उसी प्रकार पुरोहित और पंडितों का जीवन अपने जजमानों से चलता है। अगर जजमान के घर में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, अगर वह हमें नहीं बुलाएंगे, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम धन कैसे अर्जित करेंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। तब साधु महाराज कहते हैं कि अरे पुरोहित जी, आप चिंता मत करिए, आप बताइए कि क्या तकलीफ है। तब पुरोहित कहता है कि स्वामी जी, मैं चाहता हूं कि सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आने लगे, उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसके व्यापार में कुछ कमी आ जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन करने के लिए अपने घर में निमंत्रण देगा। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि हे व्यापारी, कुल पुरोहित की बातें सुनने के बाद साधु महाराज कहते हैं कि पुरोहित जी, आपका काम तो बड़ा ही छोटा सा है, मैं आपको अभी देखकर बताता हूं कि सेठ के जीवन में इतनी सुख और समृद्धि का कारण आखिर क्या है। प्रिय दर्शकों, अब तो वह साधु महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से आंखें बंद करके देखते हैं और कुछ देर आंखें बंद करके देखने के बाद साधु महाराज आंखें खोलकर अपने सामने बैठे कुल पुरोहित से कहते हैं कि पुरोहित जी, सेठ के आगे बढ़ने का कारण उसके घर में आई छोटी बहू है। सेठ की जो छोटी बहू है, वह साक्षात लक्ष्मी का रूप है, वह बड़ी ही संस्कारी और बड़ी ही बुद्धिमान स्त्री है। जब से वह सेठ के घर में आई है, तो सेठ के घर में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और उसका जीवन बड़ा ही सुख से कट रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। ऐसी स्त्री और जिस भी घर में रहती है, वह घर खूब फूलता फलता है। तब वह कुल पुरोहित कहता है कि हे स्वामी जी, अगर ऐसा है तो इसका कोई रास्ता तो होगा जिसके जरिए सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उस सेठ का व्यापार कुछ ठंडा पड़ जाए। तब साधु महाराज कहते हैं कि पुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक काम करना है, तुम सेठ के घर जाओ और सेठ से कहना कि सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए, और तुम सेठ से हरा बांस मांगकर उसको अपने घर लाकर रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ दिनों में ही सेठ बड़ा निर्धन हो जाएगा, उसके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, उसकी बहुएं आपस में झगड़ा करने लगेंगी और उसका जीवन कष्टों से भर जाएगा, तब वह तुम्हें हवन पूजन के लिए अपने घर में अवश्य बुलाएगा। प्रिय दर्शकों, साधु महाराज की इतनी बातें सुनने के बाद कुल पुरोहित साधु महाराज को धन्यवाद कहकर और अपने घर चला आता है।
पुरोहित सोचता है कि अब तो अगले ही दिन मैं सेठ के घर पर जाऊंगा और उसके खेत में से एक हरा बांस मांग लूंगा। प्रिय दर्शकों, अगला दिन होता है। सुबह होते ही जल्दी उठकर कुल पुरोहित सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ के घर पहुंचने पर पुरोहित आवाज लगाता है तो अंदर सेठ आराम कर रहा था। सेठ बाहर आकर देखता है तो वह अपने कुल पुरोहित का बहुत स्वागत करता है, बहुत आदर सत्कार करता है और पुरोहित को ले जाकर अंदर बैठा लेता है। सेठ कहता है कि बताइए पुरोहित जी, आज इतने दिनों बाद आपका हमारे घर कैसे आना हुआ? तब कुल पुरोहित कहता है कि सेठ जी, मैं बस यहां से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलते चलूं। प्रिय दर्शकों, अब तो पुरोहित अपनी मीठी मीठी बातों में सेठ को फंसा लेता है और कुछ देर बाद कहता है कि सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तब सेठ जी कहते हैं कि अवश्य पुरोहित जी, आपने इतनी छोटी सी चीज मांगी है, हम अभी आपको लाकर देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब तो सेठ जी अपने खेत में जाते हैं और एक बांस का टुकड़ा तोड़कर लेकर आ जाते हैं। तभी अपने ससुर को आता हुआ देख सेठ जी की छोटी बहू भागी भागी आती है और कहती है कि पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा क्यों लेकर आए हैं? तब सेठ बताता है कि बेटा, पुरोहित जी हमारे घर आए हैं और वह चाहते हैं कि हम उन्हें अपने खेत में से एक हरा बांस का टुकड़ा लाकर दें, इसलिए उनको देने के लिए हम यह टुकड़ा लेकर आए हैं। प्रिय दर्शकों, तब वह छोटी बहू कहती है कि पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा पुरोहित जी को अवश्य दे दीजिएगा, परंतु इससे पहले कुछ देर आप यह बांस का टुकड़ा मुझे दे दीजिए, मैं कुछ देर में यह लाकर आपको दे दूंगी। प्रिय दर्शकों, अब तो अपनी छोटी बहू को वह बांस देकर और सेठ चला जाता है। इधर वह सेठ की छोटी बहू बांस में से कुछ हरे पत्ते तोड़कर और अपने घर बधी काली गाय को खिला देती है और इसके बाद वह बांस ले जाकर अपने पिता को दे देती है। प्रिय दर्शकों, अब तो वह सेठ हरा बांस पुरोहित को दे देता है और कहता है कि लीजिए पुरोहित जी, आपने हरा बांस मांगा था और यह रहा आपका बांस, इसे आप ले जाइए। तब वह पुरोहित बड़ा ही खुश हो जाता है, सोचता है कि अब तो सेठ के घर की खुशी उसने मुझे दे दी है। अब बड़ा ही खुश होता हुआ वह पुरोहित अपने घर लौट जाता है और घर पर जाकर वह बांस का टुकड़ा रख देता है और सोचता है कि अब बस कुछ दिनों में सेठ मुझे याद करेगा, क्योंकि उसके घर में खूब लड़ाई झगड़ा होगा और गृह क्लेश होगा, तब हवन पूजन करके और मैं अच्छे पैसे सेठ से मांग लूंगा। प्रिय दर्शकों, ऐसे विचार करके वह कुल पुरोहित बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। अब तो पुरोहित इंतजार करने लगता है कि कब सेठ का बुलावा आएगा और मैं जाकर सेठ के घर हवन पूजन करूंगा। प्रिय दर्शकों, परंतु इंतजार करते करते कुल पुरोहित को एक महीना बीत जाता है, दो महीने बीत जाते हैं और तीसरा महीना भी बीत जाता है। इंतजार करते करते अब वह पुरोहित थक चुका था। तब एक दिन कुल पुरोहित दोबारा साधु महाराज की कुटिया में जाता है। वह कहता है कि हे महाराज, आपके बताए अनुसार मैंने सेठ से उसके खेत में से हरा बांस मांग लिया था, परंतु आज तीन महीने होने को आए हैं और अभी तक सेठ ने मुझे कोई बुलावा नहीं भेजा है और वह बड़े आराम से, बड़े सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है। तब साधु महाराज आंखें बंद करके और अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो वह बताते हैं कि अरे पुरोहित जी, मैंने आपको बताया था ना कि सेठ की छोटी बहू बड़ी ही चालाक और बड़ी ही बुद्धिमान है। दरअसल बात यह है कि जब सेठ आपको वह हरा बांस दे रहा था तो उसकी छोटी बहू ने उसमें से हरे पत्ते तोड़कर और अपनी काली गाय को खिला दिए थे। इसी कारणवश उसकी खुशियां और सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई। परंतु आप चिंता मत करिए, आपकी सहायता मैं करूंगा। प्रिय दर्शकों, साधु महाराज आगे कहते हैं कि पुरोहित जी, अब आपको क्या करना है कि सेठ के घर जाना है और सेठ से उसकी काली गाय मांगकर अपने घर लेकर आना है। आप जैसे ही उसकी काली गाय को अपने घर लाकर रखोगे तो कुछ ही दिनों में सेठ के घर में दुख तकलीफ आना शुरू हो जाएगा, तब सेठ आपको निमंत्रण अवश्य भेजेगा। प्रिय दर्शकों, अब तो वह कुल पुरोहित एक बार फिर प्रसन्न हो जाता है और साधु महाराज को धन्यवाद कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वह कुल पुरोहित सोचता है कि अब कल सुबह होते ही मैं सेठ के घर जाऊंगा और जाकर सेठ से उसकी काली गाय मांग लूंगा, उसके बाद मैं देखता हूं कि सेठ कैसे इतना सुखी रहता है। प्रिय दर्शकों, अब अगला दिन भी हो जाता है और सुबह उठकर वह कुल पुरोहित स्नान करके और सबसे पहले सेठ के घर पहुंच जाता है। एक बार फिर सेठ अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि कुल पुरोहित आया हुआ है। सेठ अपने कुल पुरोहित को आदर सहित घर के अंदर बुलाता है और स्वादिष्ट भोजन कराता है। उसके बाद सेठ पूछता है कि बताइए पुरोहित जी, आज आपका कैसे आना हुआ,
कुल पुरोहित कहता है कि सेठ जी, मैं बड़ी ही दुख तकलीफ में हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मेरे घर पर जो गाय है उसने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। कई दिनों से मेरे बच्चों ने दूध नहीं पिया है, इसीलिए मैं आपसे सहायता लेने के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे अपनी काली गाय दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रिय दर्शकों, कुल पुरोहित की ऐसी दुख भरी बातें सुनने के बाद सेठ सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, ये हमारे कुल पुरोहित है, अगर हम इनका भला करते हैं तो ये पुण्य का काम ही होगा। ऐसा सोचकर सेठ कहता है कि पुरोहित जी, आप चिंता ना करें, हम आपको अपनी काली गाय दे देंगे। इतना कहकर सेठ गाय को लेने के लिए अपने घर के आंगन में जाता है और गाय को लेकर पुरोहित को देने के लिए चल देता है। तभी सेठ की छोटी बहू आकर और सेठ को रोक लेती है। सेठ की छोटी बहू कहती है कि पिताजी, आप इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हैं? सेठ बताता है कि बेटा, हमारे कुल पुरोहित आए हैं और उनकी गाय दूध नहीं दे रही है, इसलिए वह हमारी काली गाय लेना चाहते हैं। मैं यह गाय उनको देने के लिए जा रहा हूँ। तब सेठ की छोटी बहू कहती है कि पिताजी, आप कुछ देर ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। प्रिय दर्शकों, इतने में वह छोटी बहू अंदर जाती है और एक सफेद रंग की चादर लेकर आती है और वह उस चादर से उस काली गाय के आंसू पोंछकर और चादर को अंदर रख देती है और कहती है कि पिताजी, अब आप जाइए और इस गाय को पुरोहित जी को दे दीजिए। प्रिय दर्शकों, अब वह सेठ पुरोहित के पास जाता है और कहता है कि लीजिए पुरोहित जी, ये रही काली गाय, इससे ले जाइए और अपने बच्चों को दूध पिलाइए। प्रिय दर्शकों, सेठ की काली गाय को देखकर वह पुरोहित बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और उसे लेकर तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अब तो अपने घर पहुंचकर वह काली गाय को बांध देता है और सोचता है कि अब तो सेठ बहुत जल्दी मुझे अपने घर हवन पूजन करने के लिए बुलाएगा, क्योंकि उसका जीवन बड़े ही जल्दी दुखों से घिरने वाला है। प्रिय दर्शकों, अब वह कुल पुरोहित सेठ के बुलावे का इंतजार करने लगता है और इंतजार करते करते एक बार फिर उसे 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने गुजर जाने के बाद वह कुल पुरोहित एक बार फिर साधु महाराज के पास जाता है और कहता है कि साधु महाराज, इस बार फिर मैं आपके कहे अनुसार सेठ के यहाँ से काली गाय लेकर आया, परंतु उसके बावजूद सेठ ने मुझे अपने घर हवन पूजन के लिए नहीं बुलाया। सेठ का जीवन अभी भी बड़े ही सुख से कट रहा है, उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है। तब साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो साधु महाराज कहते हैं कि हे पुरोहित जी, उस सेठ की छोटी वाली बहू तो बहुत ही चालाक है, हमने जितना सोचा था वह उससे भी ज्यादा चालाक है, वह सारी विद्या जानती है। सेठ की बहू बड़ी ही बुद्धिमान है, जब आप सेठ से काली गाय मांगने गए थे तब उसने अपनी सफेद चादर में गाय के आंसू पोंछकर और अपने पास रख लिए थे, जिसके कारण सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई। अब तो यह बात सुनकर कुल पुरोहित बड़ा ही चिंतित हो जाता है। वह सोचता है कि जब तक यह छोटी बहू रहेंगी तब तक सेठ का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। पुरोहित कहता है कि हे साधु महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब साधु महाराज कहते हैं कि पुरोहित, अब आप सेठ के घर जाओ और सेठ से किसी तरीके से वह सफेद चादर मांगकर अपने घर लाकर रख लो। अगर आपने ऐसा कर लिया तो निश्चित ही सेठ का जीवन बदल जाएगा और उसके घर में लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, अब साधु महाराज को धन्यवाद कहकर और वह कुल पुरोहित अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वह कुल पुरोहित निर्णय करता है कि कल सुबह होते ही मैं एक बार फिर सेठ के घर जाऊंगा और जाकर किसी तरीके से सफेद चादर मांग कर लेकर आऊंगा। प्रिय दर्शकों, अगला दिन होता है और वह पुरोहित सुबह उठते ही बड़ा प्रसन्न हो जाता है। सोचता है कि आज तो सेठ से उसकी सफेद चादर मांग कर और उसका जीवन में दुखों से भर दूंगा। अब कुल पुरोहित सेठ के घर जाता है और जाकर सेठ से कहता है कि सेठ जी, मेरी पत्नी हर दिन मंदिर में कीर्तन करने के लिए जाती है, परंतु मंदिर में बैठने के लिए उसके पास कोई अच्छी चादर नहीं है, वह नीचे फर्श पर बैठती है और उसको ऐसा करते हुए देख मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या आप मुझे एक अच्छी सफेद चादर दे सकते हैं आज, ताकि मेरी स्त्री वह चादर बिछाकर और मंदिर में बैठ सके। प्रिय दर्शकों, कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर सेठ कहता है कि अरे पुरोहित जी, आप चिंता ना करें, हमारे घर में एक बहुत ही अच्छी सफेद चादर रखी है, रुकिए हम अभी अपनी बहू से कहकर और आपको दे देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब तो सेठ जी अपनी छोटी बहू को बुलाते हैं और कहते हैं कि बहू, हमारे घर में जो सफेद चादर है वह लाकर पुरोहित जी को दे दो। प्रिय दर्शकों, अपने पिताजी की बातें सुनकर वह छोटी बहू अंदर जाती है और वह उसी सफेद चादर को निकालती है।
जिससे उसने गाय के आंसुओं को पोंछा था। वह उस चादर को निकालकर और उसका एक धागा तोड़कर अपने मुंह में भर लेती है और उसे खा लेती है। चादर का धागा खाने के बाद वह छोटी बहू चादर लाकर और पुरोहित जी को दे देती है। प्रिय दर्शकों, छोटी बहू से चादर लेकर पुरोहित जी मुस्कुराते हुए अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और घर पर जाकर वह सोचते हैं कि अब तो सेठ मुझे बहुत जल्दी याद करेगा। प्रिय दर्शकों, अब सेठ की राह देखते देखते वह कुल पुरोहित कई महीनों तक इंतजार करता रहता है। धीरे धीरे एक महीना बीत जाता है, उसके बाद दूसरा महीना भी निकल जाता है और तीसरा महीना में निकल जाता है। अब इंतजार करते करते पुरोहित थक जाता है और एक बार फिर साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज कहते हैं कि आओ पुरोहित जी, बताओ कैसे हो। तब पुरोहित कहता है कि अरे साधु महाराज, आपने मुझे जो करने को कहा मैंने सब कुछ किया, परंतु वह सेठ अभी भी अपना जीवन बड़े आराम से जी रहा है। उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। प्रिय दर्शकों, अब साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और पुरोहित को बताते हैं, पुरोहित जी, अब हमें लगता है कि वह छोटी बहू जब तक उसके घर में रहेंगी तब तक हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको सफेद चादर देने से पहले उसकी बहू ने उसमें से एक धागा निकालकर और खा लिया था, जिसके कारण सुख समृद्धि और धन का सुख उसके पास ही रह गया। अब तो आपको कुछ भी करके और सेठ जी की छोटी बहू को उसके घर से निकालना पड़ेगा। अगर आपने एक बार छोटी बहू को घर से निकाल दिया तो फिर सेठ के जीवन में कष्ट ही कष्ट आ जाएंगे और उसका जीवन दुखों से घिर जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब तो पुरोहित को भी समझ में आ गया था कि छोटी बहू के रहते वह कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह अपने घर जाता है और सेठ के घर से उसकी छोटी बहू को निकालने का उपाय ढूंढने लगता है। प्रिय दर्शकों, और अगली सुबह कुल पुरोहित सेठ के घर जाता है और बड़ी ही चिंतित अवस्था में जाकर कहता है कि सेठ जी, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और मुझे आपकी सुरक्षा खतरे में दिख रही है। आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आपका जीवन दुखों से घिरने वाला है, आपके व्यापार में आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और आपके घर में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। प्रिय दर्शकों, कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वह सेठ घबरा जाता है और बहुत चिंतित हो जाता है। सेठ कहता है कि पुरोहित जी, यह आप क्या कह रहे हैं, आप हमें बताइए, क्या इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय है? आप जो भी कहेंगे हम अवश्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, अब तो पुरोहित समझ गया था कि यह सेठ उसके जाल में फंस चुका है। पुरोहित आगे कहता है कि सेठ जी, आपकी छोटी बहू आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, जब तक वह इस घर में रहेंगी आप पर संकट बना रहेगा, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी छोटी बहू को अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि उसी के कारण आप पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और आपका जीवन संकट में है। प्रिय दर्शकों, पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वह सेठ जी उस पर विश्वास कर लेते हैं। सेठ जी कहते हैं कि पुरोहित जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, आप बताइए कि मुझे किस तरीके से अपनी बहू को घर से निकालना है। पुरोहित जी कहते हैं कि सेठ जी, आप तुरंत कुछ भी करके अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दीजिए। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर वह पुरोहित अपने घर चला जाता है और इधर से सेठ जी चिंता में डूब जाते हैं। वह सोचते हैं कि मेरी बहू तो बड़ी ही अच्छे स्वभाव की है, मेरी इतनी सेवा करती है, मैं उसे अपने घर से कैसे निकालूंगा। परंतु फिर सेठ जी सोचते हैं कि वह मेरे ऊपर खतरा है और उसके कारण मेरे परिवार पर विपत्ति आ सकती है। यह विचार करके सेठ जी अपनी पुत्र वधू के पास जाते हैं और अपनी छोटी बहू से कहते हैं कि बहू, आज ही तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारा इस घर में रहना अब सही नहीं है, तुम्हारे कारण हमारे घर में विपत्ति आने वाली है। प्रिय दर्शकों, अपने पिताजी की ऐसी बातें सुनकर वह बहुत समझ जाती है कि जरूर पुरोहित जी ने मेरे पिताजी को ऐसा कहा है। वह बहू कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। प्रिय दर्शकों, अपनी पत्नी को घर छोड़कर जाता हुआ देख सेठ का छोटा पुत्र भी कहता है कि पिताजी, अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूंगा और मैं भी अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, अब तो वह पत्नी और पति दोनों सेठ जी का घर छोड़कर और शहर में चले जाते हैं और शहर में जाकर किराए के मकान में रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद वह अपना नया धंधा शुरू करते हैं और प्रिय दर्शकों, सेठ की छोटी बहू बड़ी बुद्धिमान तो थी ही, उसकी बुद्धि के कारण उनका धंधा बड़े ही अच्छे से चलने लगता है, उनका व्यापार बहुत बड़े व्यापार में परिवर्तित हो जाता है और छोटा पुत्र और उसकी पत्नी दोनों बड़े ही धनवान बन जाते हैं, शहर में अपना मकान भी खरीद लेते हैं।
प्रिय दर्शकों, इधर वह सेठ उसका घर बर्बाद होता जा रहा था। घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे थे। सेठ की तीनों बहुएं आपस में खूब झगड़ा करती थी और सेठ के तीनों पुत्र भी व्यापार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। सेठ के तीनों पुत्र बुरी संगत में पड़ गए थे और प्रिय दर्शकों, वह कुल पुरोहित हवन पूजन के बहाने सेठ से सारा धन लूट कर ले जाता रहता है। धीरे धीरे करके वह पुरोहित सेठ को पूरी तरीके से लूट लेता है और सेठ का पूरा धन धीरे धीरे करके वह लूट कर अपने घर ले जाता है। प्रिय दर्शकों, अब तो सेठ की हालत बहुत ही बद से बदतर हो चुकी थी। सेठ के घर में खाने पीने के लाले पड़ रहे थे। खाने को भोजन नहीं था, पहनने को वस्त्र नहीं थे। अपनी ऐसी हालत देखकर सेठ एक दिन विचार करने बैठता है और गहरा विचार करने पर सेठ को समझ में आता है कि जिस दिन से मेरी छोटी बहू इस घर को छोड़कर गई है, उस दिन से इस घर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सेठ को अब ज्ञात हो चुका था कि उसकी छोटी बहू ही है जो उसके घर को बचा सकती है। सेठ अब तो तुरंत दौड़ा दौड़ा शहर जाता है और अपने छोटे पुत्र के घर पर जाकर अपनी लक्ष्मी स्वरूप बहू से क्षमा मांगता है। सेठ अपनी बहू के चरणों में गिरकर और कहता है कि बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने पुरोहित की बातों में आकर और तुम्हें घर से निकाल दिया, परंतु तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब तक तुम मेरे घर में थी, तब तक घर में बड़ी सुख शांति बनी हुई थी, और जब से तुम घर छोड़कर आई हो, घर में ग्रह क्लेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं और हम बड़े ही निर्धन हो चुके हैं। प्रिय दर्शकों, ससुर की इतनी बात सुनकर वह छोटी बहू कहती है कि पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं अभी अपने घर चलती हूं। यह भी मेरा घर है और वह भी मेरा घर है। मैं पहले से यह जानती थी कि पुरोहित ने आपके कान भरे हैं और उसी ने आपको कहा है कि आप मुझे घर से निकाल दें। प्रिय दर्शकों, छोटी बहू आगे कहती है कि पिताजी, संसार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से, दूसरों के सुख से चलते हैं और उनको बर्बाद करना चाहते हैं, परंतु यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों में आते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और किस तरह अपने घर को चलाते हैं। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही घर को तोड़ेंगे, अपने ही घर के लोगों को घर से निकालेंगे, तो अवश्य हमारे घर का नाश हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इतनी बातें सुनकर सेठ अपनी बहू को लेकर अपने घर लौट जाता है और बहू घर आती है। उसके कुछ दिन बाद सेठ तरक्की करने लगता है। सेठ का व्यापार फिर से चलने लगता है। सेठ के घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। आपस में प्रेम बना रहता है। प्रिय दर्शकों, एक दिन सेठ की छोटी बहू सेठ से कहती है कि पिताजी, आज मैं आपसे जो कहने जा रही हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जिस घर में इन तीन लोगों की चलती है, वह घर बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। उन घरों का सत्यानाश हो जाता है। तब सेठ कहता है कि बहू, वह तीन लोग कौन हैं? तब सेठ की छोटी बहू बताती है कि पिताजी, ध्यान से सुनिएगा। नंबर एक, बिगड़ा हुआ बालक। जिस घर में बिगड़ा हुआ पुत्र होता है, गलत संगति में बालक पड़ जाता है और उसकी बात घर में मानी जाती है। उसके कहे अनुसार अगर माँ बाप काम करते हैं तो उस घर का सत्यानाश हो जाता है। वह घर बिकने की परिस्थिति में